नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की संस्कृति उसके हजारों बिखरे हुए गांव में है। तहजीब की रोशनी से दूर ऐसे ही एक गांव की यह सच्ची कहानी है, जिसमें एक मामूली इंसान रामू ने गांव की जागृति और तरक्की के लिए अपनी जान लड़ा दी। अगर रामू जैसे इंसान हर गांव में हो तो यह भारत देश देवताओं के रहने के काबिल हो जाएगा। इसी मकसद को सामने रखते हुए हमने यह फिल्म बनाने के लिए कदम उठाया, नया कदम। अरे इससे क्या होता है? वो तो कह रहा हूँ मैं। अरे 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 ये मर्दों का कंपार्टमेंट है। तो क्या हुआ? हम लड़कियाँ पिकनिक पर जा रही हैं, हम जनाना है लेडीज बस। चलो चलो, वो क्या देख रहे हो? उठो ना। ठहरो ठहरो, ये क्या दुष्टता है? निकट बताओ, दूर करी रहो। मैं बालाजी के दर्शन को तिरुपति जा रहा हूँ, मेरी तपस्या भंग हो जाएगी रे। भाड़ा दिया हम क्यों उठे? अरे भाड़ा दिया तो क्या हुआ, उठो। तू सुनो, ओए हम किधर बैठे हा? अरे नवाब साहब, अगर आप नहीं उठेंगे ना तो आपकी दाढ़ी खतरे में आ जाएगी। हमको माफ करो बाबा, तुम लोग इधर बैठो, हम लोग बाजू का कमांड बन जाते हैं। देखा सबके सब कैसे भाग गए। अरे लेकिन सब कहाँ भागे, एक तो यही बैठा है। महाशय खामा खा आप क्यों जिद कर रहे हैं? चुपचाप बाहर चले जाइए ना। अरे लेकिन ये तो सजी सजाए दुल्हन जैसे सर झुकाए बैठे हैं। मैंने कहा हजूर जरा सर तो उठाइए, अपना मुबारक चेहरा दिखाइए। बाप रे, इस तरह लाल लाल आंखों से घूर कर क्या देख रहे हैं? कौन हो तू? मैं एक खूनी हूँ। खूनी? तुम्हारा मतलब है तुम अभी भी किसी का खून करके आ रहे हो? आज से 12 साल पहले मैंने 2 खून किए थे, आज उसकी सजा भुगत के आ रहा हूँ। मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत, मैं खूनी जरूर हूँ लेकिन इंसान बुरा नहीं। अगर तुम इंसान बुरे नहीं हो तो फिर तुमने खून क्यों किया? जब तक खून न बहे जमाने का इतिहास नहीं बदला जा सकता। मगर तुमने, मेरा मतलब है आपने किसका खून किया? ये जानने के लिए एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के की आप बीती कहानी सुननी होगी, एक भोले वाले जोड़े की प्रेम कहानी सुननी होगी। आज से 35 साल पहले गोदावरी के किनारे जमाने की तरक्की की हवा से बहुत दूर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। उस गांव तक पहुंचने के लिए कोई ढंग का रास्ता तक नहीं था, शायद इसीलिए उसका नाम गुप्त गांव था। वहां के लोग अनपढ़ गंवार थे और उन गंवारों की बस्ती पर 2 आदमी राज करते थे, अपनी दौलत अपनी ताकत के बल पर। एक था वहां का सरपंच मधुकर और दूसरा था साहूकार जग्गू। और उसी गाँव में एक स्कूल मास्टर था श्रीकांत, जिसका सारा वक्त गांव के बच्चों से प्यार करने और पढ़ाने में गुजर जाता था। बुरा मत कहो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत देखो। तुम मास्टर जी के पास जाकर पढ़ो, मैं इन जानवरों को संभालूंगी। चंदा तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, जब मैं पढ़कर बड़ा बन जाऊंगा तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा दूंगा। बुरा मत कहो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो। कहाँ जा रहा है? पढ़ने। बुरा मत देखो। तू पढ़ेगा? चल भाग, नहीं तो जमीन पे पटक दूंगा। नहीं नहीं, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। चल भाग। मास्टर जी ने बोली ना, तो टांगे तोड़ दूंगा। मास्टर जी ने बोली ना। नीच गंदे खून की पैदाइश, तू पढ़कर क्या करेगा बे?
अबे ओ मास्टर के बच्चे, कितने बार कहा है कि ऐसे खुलेआम ना पढ़ाया कर। अगर किसी ऐसे ही नीच बच्चे ने एक दूनी दो, दो दूनी चार सीख लिया तो हम दोनों के चार टुकड़े कर देगा। आज से यहाँ पढ़ाई बंद। अरे ओ मास्टर श्रीकांत, अगर इन आठ बच्चों के अलावा कोई नवा बच्चा यहाँ नजर आया तो मैं हिटलरी दांतों से तुझे खा जाऊंगा, याद रखना है, समझा? चलो मास्टर जी, मास्टर जी ने बोली ना, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है मास्टर जी, मुझे रामू, सुन लिया मेरे बच्चे, पढ़ाई गरीबों की मौत है, तू पढ़ेगा तो ये लोग तुझे मार डालेंगे और मास्टर जी पढ़ाएंगे तो उन्हें भी मार डालेंगे। मेरी मौत की चिंता मत करो बहन, मैं मर के भी विद्या को जिंदा रखूंगा। स्कूल की पढ़ाई के बाद मैं इसे अपने घर पे ही पढ़ा दिया करूंगा। मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी मैं एक सवाल पूछता हूँ। पूछो बेटे। जैसे वो इंसान है हम भी तो वैसे ही हैं। इसी हवा से वो भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, प्यास लगती है पानी वो भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। जब सब कुछ एक जैसा है तो भगवान ने उन्हें बड़ा और हमें अछूत क्यों बनाया, बताइए ना मास्टर जी। बेटे सदियां गुजर गए, तुम्हारे सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। देखो जहां तक भगवान का संबंध है ना, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है, मगर इंसान ने इस दुनिया में आकर इंसानों को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। मास्टर जी मैं एक और सवाल पूछता हूँ। क्या बेटे? भगवान ने जिस तरह हर एक आदमी को भूख दी है उसी तरह हर एक को खाना क्यों नहीं दिया? बेटे सवाल का जवाब देने के डर के मारे ही तो भगवान पत्थर के बन गए। आज इस छोटी सी उम्र में अगर ये सवाल तुम्हारे दिल में पैदा हुआ है तो मुझे विश्वास है बेटे कि बड़े होने के बाद इस सवाल का जवाब भी तुम ही दोगे। कैट, मैंने बिल्ली। लक्ष्मी जी आप गलत पढ़ रही हैं। सीओटी कैट नहीं, सीएटी कैट। कैट माने बिल्ली। रामू तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ थोड़ी थोड़ी। तुम अपना नाम इंग्लिश में लिख सकते हो? हाँ। तो इस लेट पर लिख के बताओ। यो बेनीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू कुप गांव के इस हिटलर यानी आलोप मधुकर की बेटी के बाजू में बैठ गया? ये तुझे किसने पढ़ाया कि सी ओ टी कोट नहीं बल्कि कैट होता है? कैट माने बिल्ली। बोल कौन था बिल्ला? काम से छुट्टी मिलने के बाद मैं मास्टर जी के घर जाता हूँ, वो मुझे पढ़ाते हैं। मास्टर क्यों? मास्टर इन नीच जात के बच्चों को पढ़ाकर तो मेरी हुकूमत में इनकलाब लाने के सपने देख रहा है। मैंने तुझे सिर्फ आठ बच्चे पढ़ाने को कहा था, तू नवे को भी पढ़ा रहा है। सुने ना फरमान गद्दार, अगर दोबारा ये हरकत की तो तेरी लाश गोदावरी की गोद में तड़पती हुई नजर आएगी और गिद्ध अपने चोचे घुसेड़ घुसेड़ कर तेरे शरीर का हर इलाका काटे हुए नजर आएंगे, याद रखना। मास्टर जी मैं समझता था कि भूखा रहकर भी पढ़ाई कर लूंगा, मगर मुझे वैसी शिक्षा नहीं चाहिए जिसमें आपका अपमान हो और सजा मिले। सच मास्टर जी, हमारा मालिक बहुत जालिम आदमी है, अगर आप इसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जाने दीजिए मास्टर जी, आप मेरे बेटे को मत पढ़ाइए। न पढ़ाऊं? कल की दुनिया को उजाला देने वाले इस दीपक को बुझा दूं? नहीं बहन नहीं, जुल्म के झोंकों से चलाक नहीं बुझेगा। द्रोणाचार्य ने जिस तरह अर्जुन को शस्त्र विद्या सिखाकर कौरवों से बदला लिया था उसी तरह मैं अपने इस अर्जुन में जुल्म का जवाब पैदा करूंगा। मैं इसे जरूर पढ़ाऊंगा, इसे शहर ले जाकर पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाऊंगा। चंदा मैं तो जा रहा हूँ, माँ का ख्याल रखना। अरे ये चंदा है ना, फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है, तू जा पढ़, मैं तेरा काम भी कर लूंगी और चाची को भी संभाल लूंगी। रामो रामो। हाँ लक्ष्मी जी। ये लो मैं तुम्हारे लिए ये पेन लाई हूँ, खूब मन लगाकर पढ़ना और हर परीक्षा का जवाब इसी कलम से देना। जी अच्छी बात है। ये गुप्त गांव के नागरिक जो अनागरिकों की तरह जी रहे हैं, इनकी गिरी हुई जिंदगी को मूंगफली की तरह खा जाना चाहिए। उनको एहसास मत होने दो कि वो इंसान हैं, उनमें सवाल करने की हिम्मत मत पैदा होने दो। भगवान हिटलर ने कहा है कि ताकतवर को ज्यादा खाना चाहिए, कमजोरों का हक उनसे छीन कर हड़प कर जाना चाहिए। इसलिए मधुकर
तुम पंचायत खा जाओ और तुम ड्रैकुला बनकर ब्याज के दांतों से इन गरीबों का खून पी जाओ। इस गांव की बेवकूफ प्रजा के हम राजा हैं बिना मुकुट के। हेल हिटलर। हे भी नहीं, ये किधर गया? अरे आज मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं। मैं सिद्धांतवादी आदमी हूं, तुमको पता है। मेरा भाई एमएलए है फकीर चंद दौलतचंद और मैं हूं बीडीओ। आज मैं तुमको ठीक करके ही रहूंगा। मैं बहुत कड़क आदमी हूं। बताओ मेरा स्कूल कहां है? मैं खा गया। खा गए? अस्पताल? वो भी मैं खा गया। मंदिर? वो भी मैं खा गया। और फेयर प्राइस शॉप? सर वो मैं खा गया। तुम खा गए। अरे मैंने आज तक सुना था कि लोग घास फूस खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, तुम चूने ईंट की बिल्डिंग हड़प कर गए। मंदिर भी खा गए, अस्पताल भी खा गए, फेयर प्राइस शॉप भी खा गए। अरे तुम लोगों का पेट है कि शैतान का ब्रीफ केस? आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। बताओ बताओ स्कूल कहाँ है? कहाँ है मेरा अस्पताल? कहाँ है मेरा मंदिर? साहब, इस कमरे में शराब है, उस कमरे में चिकन बिरयानी है, और मैं उस कमरे में इंतजार करती हूँ। मैं क्या कह रहा था? वो स्कूल के कागजात पर जरा कलम घसीट दो। ये लो। और है? ये लो। ताकि तुम कर लो। मगर मैं कर लो, मुझे काम है। देखा मेरा नया अवतार? जब तक ऐसे कमरे में जाने वाले ऑफिसर आते रहेंगे, हमारा यहाँ नुकसान करने वाला कोई नहीं आ सकता। चलो भाई अपने अपने पॉइंट गिनो। अरे भाई मेरा तो 40 है। 60 पॉइंट है भैया। तू एक इंसान जो जानवरों की तरह जीने वाले इंसानों को इंसानियत सिखाने आया है। इस छत के नीचे बच्चे पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे जुआ खेलना पाप ही नहीं बल्कि जुर्म भी है। कौन है तू? लगता है गांव में नया आया है। मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूँ, पिछली जाति सीता की कोख से जन्म लेने वाला रामू। रामू? आज के बाद ना तो यहाँ पर कोई जुआ खेलेगा और ना इस पवित्र जगह को गंदा बनाएगा स्तबल बनाकर। क्या शहर से पढ़ के आया है तो बड़ा हो गया है क्या? अरे भाई हम तो ताश खेलेंगे यहाँ दिन में और रात को दारू भी पिएंगे और मौका मिला तो बदमाशी भी करेंगे। ये सब काम करने के लिए यहाँ के भगवान यानी कि यहाँ के सरपंच श्री मधुकर जी ने हमें आज्ञा दी है और तू आया हमको मना करने। तेरी हस्ती क्या है? बताऊ मैं कौन हूँ? सरकार की तरफ से भेजा हुआ स्कूल का नया टीचर हूँ। और मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूँ कि एक मिनट के अंदर ये जगह खाली कर दो वरना मैं आपको जेल की हवा खिलाऊंगा। जी हाँ, और इन जानवर को दूर अस्तबल में जाकर बांध दूंगा। एक मिनट के अंदर इस जगह को खाली कर दो, समझे? अरे चलो भाई चलो, अपन जानवर के समेत जाएंगे और सरपंच के पास जाकर शिकायत करेंगे। ए, ये क्या बगावत है? क्या हिमाकत है? ये क्या भैंसे लेकर मेरे घर में चले आए तुम लोग? रामू ने तुम्हें थोड़ी सी धमकी दी और तुम गांव भर के जानवर लेकर मेरे घर में चले आए। चलो निकलो बाहर, निकलो, वरना मेरे घर तालाब की तरह गोबर से लबालब भर जाएगा। निकालो। चाप चाप। बड़ा आया गांव को सुधारने वाला, राम बनकर आया गांव के लिए। क्या मेरा बेटा रामू गांव में आ गया? किस गोरी बस की?
रामू आ गया। देख रही हो सीता, अपने बेटे को समझा दे कि इस गुप्त गांव का हिटलर मधुकर अभी जिंदा है। अगर उसे इस गांव में जिंदा रहना है तो उसके कदमों में सर झुका कर जिंदा रहना होगा। मिस्टर मधुकर, कल शाम के सूरज के साथ तुम्हारे जुल्म का सूरज भी डूब गया है। आज से इस गांव में एक नई रोशनी आई है। नई रोशनी? इस झोले में डाल के लाए हो? हाँ, अपने दिल में लाया हूँ, अपनी आंखों में लाया हूँ। इन्हें इस रोशनी के सहारे मैं जीने का एक नया अंदाज सिखाऊंगा। माँ, ये बाल्टी नीचे रख दे। चंदा, झाड़ू फेंक। इसी वक्त तुम लोग घर जाओ। आज के बाद जानवरों की तरह कोई यहाँ पर काम नहीं करेगा। अगर मेरा कर्जा उतारे बगैर यहाँ से किसी ने कदम भी उठाया तो मैं तबाही मचा डालूंगा। कर्जा? कौन सा कर्जा? कौन सा कर्जा? 20 साल पहले तेरे बाप ने मुझसे 1000 रुपया लिया था, वो। मतलब पिताजी का कर्जा अभी तक उतारा नहीं गया? अरे कहाँ उतरा, वो तो चढ़ता ही चला जा रहा है। पहले उस 1000 पर ब्याज चढ़ा, उसके बाद चढ़े हुए ब्याज पर ब्याज चढ़ा। इसी तरह वो कर्जा चढ़ते चढ़ते चढ़ाई की चौथाई तक चढ़ गया। तुम उसके बेटे हो तो मैं अपने बाप का कर्जा तो उतारना ही पड़ेगा। चल चल, बेवकूफ किसी और को बनाना। मधुकर साहब, मेरे पिता तुम्हारे खेत में काम करते करते मर गए क्योंकि एक जहरीले सांप ने वहां काट लिया था, मगर तुमने कोई मुआवजा नहीं दिया। मेरी नजरों में मुआवजा मेरी माँ का सुहाग था। क्या तुम्हारी नजरों में मेरी माँ के सुहाग की कोई कीमत नहीं है? इतने सालों से मेरी माँ और चंदा आधे पेट रहकर, कभी कभी भूखे रहकर तुम्हारी गुलामी करते रहे, अपना खून जला जला कर तुम्हें आराम पहुंचाते रहे। क्या तुम्हारी नजरों में उस खून की कोई कीमत नहीं? बचपन में तुम्हारे कारण मुझे ये गांव छोड़ना पड़ा। मैं अपना सारा बचपन अपनी माँ के आंचल के साए से दूर गुजार कर आया हूँ। माँ की ममता तो भगवान भी नहीं खरीद सकता, लेकिन तुमने वो ममता मुझसे छीन ली। क्या तुम्हारी नजरों में मेरी माँ की ममता की कोई कीमत नहीं? चलो हिसाब करो, बताओ कौन किसका कर्जदार है। एक तरफ मेरी माँ का सुहाग, उनके खून के दाम, मेरे बचपन और ममता की कीमत, और दूसरी तरफ तुम्हारा ब्याज। जोड़ कर देखो, उल्टे तुम मेरे कर्जदार निकलोगे, और इस कर्जे को चुकाने के लिए तुम अपनी मिल्कियत, अपनी जायदाद, बल्कि अगर अपने आप को भी बेच डालोगे तो मेरा कर्जा नहीं चुका सकते। क्योंकि मेरा कर्जा आसमान की ऊंचाई पर है और तुम मेरे कर्जे में डूबे पताल की गहराई में हो। बोल बोल, कैसे चुकाओगे मेरा कर्जा? मुझसे हाथ जोड़कर या मेरी माँ के पांव पकड़कर? बोल। यू आर ग्रेट रामू, तुमने कमाल कर दिया। जी करता तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। सीता जी, वाह, तुम तो सचमुच की देवी हो। क्या सागर नुमा इंसान को तुमने जन्म दिया है जिसके शब्दों से मोती की धारा बहती है। ऐ मेरे गांव के शेर, जा, मैंने तेरा कर्जा माफ किया। अपनी माँ और चंदा को यहाँ से ले जा। नमस्ते बाबू। नहीं, 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 मुझे नमस्ते करके गुनहगार मत बनाओ। अब तो मैं नमस्ते करूंगा, करता रहूंगा। ज्यादा देर यहाँ खड़े रहकर मुझ पापी को और पापी मत बनाओ। जाओ जाओ। अरे वाह वाह, गुप्त गांव के हिटलर साहब, अपने आप को पागल कुत्ते से कटवा लिया था क्या? ए? वो आकर तुम्हें गालियां दे गया, तुम्हारी इज्जत गंदी कर गया, और तुम कसम रुपये की जिसके पहिए से मेरी गाड़ी चलती है मुंह देखते रह गए। इसको हिटलर मधुकर की सियासत कहते हैं। इस वक्त अगर हम कोई चाल चलते तो हमारी चाल की बाल खाल सब उखाड़ कर फेंक देता। मैं मौके की तलाश में हूं, जब हमले का मौका आएगा तो मेरे शरीर में जलजला आएगा, भौंचाल आएगा, मेरी आत्मा निकल जाएगी और उसमें हिटलर की आत्मा उतर आएगी। मैं हिटलर का उतार लूंगा और उसको बर्बाद कर डालूंगा। मुझे मालूम था रामू कि एक न एक दिन तुम काबिल आदमी बनकर जरूर वापस आओगे। आज से तुम्हारा असली काम शुरू होता है। यह गांव जो जहालत की चादर में छुपा हुआ है उसे तुम्हें बाहर निकालना है। मास्टर जी, मैं इस गांव को उन्नति के रास्ते पर ले जाऊंगा, इस गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा और इस गांव से जुल्म के अंधेरों को मिटाकर आने वाले कल को रोशन करने की कोशिश करूंगा। रामू, तुमने मुझे पहचाना? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ लक्ष्मी जी। रामू, तुम एजुकेटेड पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि अपने से छोटे को आप जी नहीं कहते? मुझे ऐसा लगा कि शहर जाकर तुमने मुझे भुला दिया। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ लक्ष्मी, तुम्हारा दिया हुआ पेन हमेशा मेरे साथ रहा है।
वादे के मुताबिक मैंने इम्तिहान के हर सवाल का जवाब इस पेन से लिखा है। जी, अपना रामू कैसी कैसी बातें करने लगा है। अभी मास्टर जी के यहाँ उसने ऐसी ऐसी बातें की बिल्कुल सुनने के लायक कि मैं हर गरीब को सुखी बनाऊंगा, हर झोपड़े में बत्ती जलाऊंगा, हर आदमी के दिल में दिया जलाऊंगा। मास्टर जी वहाँ खुश हुए जा रहे थे और मेरा मन झूम रहा था। सच सच चाची, इसको री बस की अगर मैं वहाँ थोड़ी देर और रहती तो खुशी से वही नाचना शुरू कर देती। चंदा, अरे वो चंदा क्या है? देख, मैं तेरे लिए शहर से पायल लाया हूँ। इस गुरी बस की पायल कितने सुंदर है। अरे इसे देखकर उछलती रहेगी या इसे पहनेगी भी? इस गुरी बस की तो तुम ही पहना दो ना। रामू, तुम मेरे लिए तोहफा लेकर आए, इसका मतलब तुम शहर जाके मुझे नहीं भूले, मैं याद रही तुम्हें। मैं भला तुझे कैसे भूल सकता हूँ। तूने मेरी माँ की इतनी सेवा की, मेरी गैरहाजिरी में उसका साथ निभाया। अरे मैं तो मर के भी तुझे नहीं भूल सकता हूँ। Thank you.
रामू बरसों बाद शहर से लौटा। एक मुद्दत तक वो मुझसे दूर रहा, मगर फिर भी मुझे भूला नहीं। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। अरे चंदा, बारिश तो नहीं हो रही है, फिर तुम्हारे कपड़े भीगे हुए क्यों हैं? इस गरीब बस की उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो कभी फुर्सत से सुनाऊंगी। अभी मैं किसी और काम से आई हूँ। आज मैं रामू को बहुत मस्त जबरदस्त खाना पका कर खिलाना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी, थोड़ी सी सब्जी दोगी? सब्जी क्यों, रामू को चाहिए तो पका पकाया खाना देती हूँ। इस गरीब बस की वैसे मजा नहीं आएगा, उसे अपने हाथ से पका के खिलाने को जी करता है। थोड़ी सी सब्जी दो ना। मैं खिलाते समय उसे जरूर कहूंगी कि तुमने दी, कसम से। ठीक है, ठहरो, मैं भी लाती हूँ। अच्छा। बाप रे बाप, ये लक्ष्मी जी कितनी मोटी मोटी भारी भारी किताबें पढ़ती है, किसी को खींच के मारो तो बेचारा बेहोशी हो जाए। अरे क्या कर रहे हो, भूल गए? अरे हाँ, पहला निवाला तो तू खिलाया करती थी ना, सॉरी भूल गया। अच्छा मुझे एक बात बता, मुझे एक चीज समझा, इतनी सब चीजें बनाने की क्या जरूरत थी, कोई राजा महाराजा की दावत है? अरे बाप, इतने बरसों बाद तुम घर आए हो तो क्या रोटी चटनी बनाती? इसलिए मैं आज लक्ष्मी जी के वहाँ जाकर तुम्हारे लिए खास सब्जी मांग कर लाई हूँ। अरे मेरी खातिर वहाँ जाकर सब्जी लाने की क्या जरूरत थी अगली, मैं शहर में भी सूखी रोटी चटनी खाकर और पानी पीकर गुजारा किया करता था। हाँ हाँ, वहाँ खाते होगे, लेकिन अब मैं अपने हाथों से कम एक दाल एक सब्जी रोज बनाकर खिलाऊंगी। इस गरीब बस की, मैंने तुम्हारे लिए दही जमा के रखा था, अभी लाई, अभी लाई। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, खामोश। तुम लड़ क्यों रहे हो? सर देखो, इसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और मेरा खून भी निकाल दिया। नहीं सर, इसने पहले मुझे धक्का दिया और मेरा भी खून निकाल दिया। सर, इसका बाप हमारे इधर नौकर है, मेरी गाय बेच रहा था, ये आके मेरे पास मेरी बराबरी कर रहा था, तो मैं इसे धक्का देके दूर कर रहा था। सर, ये हरिजन है, मैं ब्राह्मण हूँ, कभी इसने मुझे छू लिया तो मेरी माँ मुझे मारेगी। सर, हम लोग अमीर हैं, इसका बाप हमारे घर में आके हाथ जोड़ के खड़े रहता है, इसलिए मैं इसके बाजू में कैसे बैठ सकती हूँ? देखो बच्चों, सबसे पहले अपने दिल से ये बात निकाल दो कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, कोई नीच है, हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। सर, हम मालिक है, ये हमारा नौकर है, हम दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? सर, ये हरिजन है, मैं ब्राह्मण हूँ, हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? सर, हमारे पास रुपया है, ये गरीब है, इसलिए हम दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम सांस क्यों लेते हो? जिंदा रहने के लिए। बगल में ये लड़की खड़ी है, ये भी सांस लेती है ना? हाँ लेती है। कुछ देर पहले तुम्हें चोट लगी थी और खून निकला था। हाँ सर। उसका रंग क्या था? लाल। और इसे जो खून निकला उसका रंग क्या था? वो भी लाल। खून तो अंदर से निकलता है ना, जब अंदर का रंग एक जैसा है तो फिर बाहर से हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? सोचो तो सही, क्या हम अलग हो सकते हैं वाला? नहीं सर, नहीं हो सकते। बच्चों, जब हम सबके खून का रंग एक है, जब हम जिंदा रहने के लिए एक ही हवा से सांस लेते हैं, जबकि ईश्वर की बनाई हुई एक ही धरती पर हम एक साथ रहते हैं, तो फिर हम अलग कहां से हो गए? हाँ चलो बच्चों, खड़े हो जाओ और एक लाइन में आ जाओ, जो मैं कहता हूँ मेरे साथ दोहराते जाओ, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं, सब बराबर हैं, इसलिए तुम कल से एक जैसे कपड़े पहनकर आना, फिर देखना सब एक जैसे लगेंगे और कोई भेदभाव तुम्हें महसूस नहीं होगा। ये आज के लिए काफी है, आज के दिन छुट्टी, सब अपने अपने घर जाओ। रामू। लक्ष्मी तुम कब आई? जब तुम बच्चों के दिलों से भेदभाव का जहर निकालकर उनको एकता का सबक पढ़ा रहे थे, मैं तब आई। हाँ लक्ष्मी, इस जहर को निकालकर इन मासूम बच्चों के दिलों में प्यार और एकता का बीज बोना बहुत जरूरी है, कल को जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनके दिलों में अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल नहीं रहेगा। रामू, कोई भी इंसान जिसके पास दिल और दिमाग हो वो तुम्हारे आदर्शों में भाग लेना चाहेगा, मुझे भी मौका दो, कल से मैं स्कूल आकर तुम्हारे साथ बच्चों को पढ़ाया करूं। लक्ष्मी,
ये गरीब मामूली इंसान की कश्मकश की जंग है। तुम्हें तो तकदीर ने सब कुछ दे रखा है, कहां अपने आप को इस जंजाल में फंसा रही हो? रामू, मैं एक अमीर बाप की बेटी कहलाने से तो एक उसूल पसंद इंसान का साथ देना बेहतर समझती हूँ। सिर्फ जन्म लेकर दुनिया में जीने का मतलब जिंदगी नहीं, जिंदगी को जिंदा रखने के लिए मन में कोई उमंग होनी चाहिए, ख्यालों में कोई मंजिल होनी चाहिए, और ये सब तुम में है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे इन आदर्शों में तुम्हारा हाथ बटाऊं, तुम्हारे उसूलों में तुम्हारा साथ निभाऊं, यहां तक कि तुम्हारे जीवन का साथी बनना अपना सौभाग्य समझूंगी। लक्ष्मी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारे संग साथ फेरे लेने मेरे वो अरमान है जिनकी तड़प तुम्हारे उसूलों के साये में चलने से पूरी होगी। क्या क्या क्या, वो मामूली टीचर कीड़े मकोड़े पिस्सों की औलाद बहुत की लहर फैला रहा है, कहता हम सब एक है, मैं एक के दो बनाता हूँ, वो हजार के एक बना रहा है। कदम हिटलर की, मधुकर की रियासत में बगावत की हवा कभी नहीं फैल सकती। मालिक, ये हवा बड़ी बुरी तरह फैल चुकी है। आज सुबह मेरा बेटा मेरे नौकर के बेटे को साथ बैठाकर कह रहा था कि हम सब एक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनिफॉर्म की वजह से बच्चों को पहचानना मुश्किल पड़ गया है। आज सुबह अपना बेटा समझकर मैंने नौकर के बेटे को चूम लिया। कल की बात है, मेरा बेटा उस हरिजन पूरन के बेटे को अपने साथ में खाना खिला रहा था। मैंने पूछा ये क्या है, तो कहने लगा हमारे खून का रंग एक है, हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, इसलिए हम सब एक हैं। तुम्हारा बेटा गधे की औलाद है, कुत्ते की औलाद है। अबे गधे घोड़े हर जानवर के खून का रंग लाल होता है, हर जानवर उसी हवा से सांस लेता है जिसे हम लेते हैं, तो क्या हम जानवर हो गए? तुम क्या हाथी की सूंड की तरह मुंह लटकाए खड़े हो? मैं सही कह रहा हूँ या गलत? अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे तो मेरा खुद का धंधा जो रुपये के डंडे से चलता है लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। ए चंदा, क्या है, तू रामू के स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाती? इस गरीब बस की मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे कैसी गवार लड़की हरी तू, तेरी शादी किससे होगी? रामू से ना, और वो पढ़ा लिखा, तू अनपढ़ गवार। और मान ले तेरी शादी के बाद वो कहीं बाहर गया और तुझे चिट्ठी लिखी, उसको पढ़ने के लिए तो पढ़ाई जरूरी है ना, क्या तू अपने पति की चिट्ठी किसी और से पढ़वाएगी? इस गरीब बस की बात तो ठीक है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये अचानक पढ़ने का ख्याल तुम्हारे मन में कहां से आ गया? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मुझे पढ़ाओ ना। मैं क्यों पढ़ाऊं? तुम्हारा रामू इतना अच्छा टीचर है, सारा गांव उसे पढ़ता है, तुम भी उसे पढ़ लो ना। इस गुरी बस की मैं उससे नहीं पढ़ सकती, तुम पढ़ाओ ना, देखो मैं सुबह शाम तुम्हारी सेवा करूं। बस बस बस, मस का मत लगाओ। मैं जो अक्षर लिख के देती हूँ उस पर हाथ बिठा लेना। कसम रुपये की, क्या बात है शांति, आज तो तू अपनी गुलबदन बिटिया को भी साथ लेकर आई है। मालिक, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, 50 रुपए उधार दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मेहरबानी मेहरबानी छोड़, ये बता गिरवी रखने के लिए क्या लेकर आई है? अब घर में बचा ही क्या है, एक एक करके सारा सामान आपकी दुकान पे गिरवी रख दिया, आप कागज पे जो चाहो लिख लो, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। अरे बेवकूफ, अंगूठा तो मैं मर्दों से लगवाता हूँ, औरतों से तो मैं क्या मतलब? अरे इतनी भोली मत बन शांति, अपनी इस चुलबुली छमिया जैसी बेटी को सिर्फ एक दिन के लिए मेरे पास गिरवी रख दे, छोड़ दे, जितना चाहे मार लेती जा, छोड़ दे, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। छोड़ दो। अरे जा जा, तू जैसे को सबक सिखाने के लिए ही तो मैंने अपने गंगू को रखा हुआ है। ए गंगुआ, ए मास्टर, तू जाके स्कूल में बच्चों को पढ़ा, बड़ों के काम में दखल देगा तो खामखा मेरा हाथ उठ जाएगा। इस मास्टर के हाथ ना सिर्फ स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर सबक लिख सकते हैं, बल्कि तेरे काले माथे पर आने वाली काली तकदीर भी लिख सकते हैं। मास्टर!
आइंदा खामखा हाथ उठाने की कोशिश की ना तो इस मास्टर के हाथों को तेरी कहानी कलम की सिहाई से नहीं बल्कि तलवार के खून से लिखनी पड़ेगी। अरे रामू बेटा, मेरा मेरा कलसा। का? का? गा? गा? लक्ष्मी जी, इस पढ़ाई में बहुत गड़बड़ है। क्या? देखो, पहले का आता है, फिर खा आता है। खा बड़ा है तो उसको पहले आना चाहिए, का छोटा है तो क को बाद में आना चाहिए। बोलो गड़बड़ है कि नहीं? गड़बड़ है या नहीं तुम जाकर ये रामू से पूछो। नहीं, मैं रामू से क्यों पूछूं? तुम मेरी टीचर हो, तुम मुझे पढ़ा। बोलो ना, खा पहले क्यों नहीं आता? देखो चंदा, पहले जब इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो बड़ा होता है कि छोटा? इस गोरी बस की छोटा ही होता है। इसी तरह भाषा माँ है, अक्षर उसके बच्चे हैं। पहले छोटा आता है जिसे क कहते हैं, बाद में खा आता है जो बड़ा होता है। अपड़िया, इस गोरी बस की लक्ष्मी जी, तुम तो बिल्कुल लक्ष्मी हो। का? का? गा? गा? ला 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 ला। इस गोरी बस की, अबे गंगू, ये लकड़ी लगाकर मेरा रास्ता क्यों रोका? हाँ, अरे भागते हुए तेरे पैर में कांटा ना चुभ जाए इसलिए लकड़ी लगा दी। जानती है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्यार? हाँ। तेरे मुंह से ये प्यार का शब्द अच्छा नहीं लगता। क्यों? छी, पास आ रही दारू की, चल हट। अरे बहुत जबान चलने लगी है तेरी, है? अगर मैं चाहूँ ना तो तुझसे शादी करके सारी उम्र के लिए तेरे नाक में नकेल डाल सकता हूँ। तूने अभी मुझे पहचाना नहीं है। इस गोरी बस की, आई नो यू फूल, नॉट स्मॉल फूल, बिग बिग फूल। बहुत गिटर पिटर करने लगी है। रामू, तुमने तो जैसे गांव वालों पर जादू कर दिया है, हर तरफ से एक ही आवाज सुनाई देती है। रामू ऐसा है, रामू वैसा है, रामू भगवान है, रामू देवता है। ये लो पहला निवाला। क्यों बच्चों, क्या बात है, खाना नहीं खा रहे? सर मुझे भूख लगी है, घर में खाने को कुछ नहीं है। सर मेरे बापू सब पैसों की शराब पी जाते, मुझे खाने को कुछ नहीं देते। सर मेरी माँ बचपन में मर गई, मेरे पिताजी को बहुत बुखार है, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं। सर पहले मैं काम करता था तो खाना खाता था, अब मैं स्कूल पढ़ने लगा तो मेरी नौकरी छूट गई। चंदा, इन मासूमों का बचपन अगर भूख में जल जाए तो बड़े होकर ये दुनिया को जला डालेंगे। खाना इन्हें खिला दो, अगर कम पड़ जाए तो घर से और ले आना। आओ बच्चों, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। मास्टर जी, सरकार तमाम स्कूलों को दोपहर के खाने की ग्रांट देती है, स्पेशल फंड देती है, हमारे स्कूल को भी मिलना चाहिए। तुम क्या समझते हो बेटा, सरकार हमें मदद नहीं देती, बाकायदा चंदा मिलता है हमको। तो फिर क्या होता है उन पैसों का? उन पैसों का क्या होता है बेटे, ये तो गाँव का सरपंच मधुकर ही जानता है। तुम? हाँ, मैं तुम्हारे पिताजी को मिलने आया हूँ। अच्छा, तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ। हो, रामू, मिस्टर जग्गू, जो आदमी स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हो, जिनके दिमाग के खाली बर्तन में शिक्षा के मोती टपकाता हो, उसको हम लोगों से क्या काम हो सकता है? मेरा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, उनके दिमाग के खाली बर्तन में शिक्षा के मोती टपकाना ही नहीं है, बल्कि उनके खाली पेट में रोटी पहुंचाना भी है और मोती जैसे आंसुओं को भी पहुंचना है। बहुत मोती मोती हो गया, मतलब की बात करो, क्या है? स्कूल के बच्चों के खाने के लिए सरकार की तरफ से जो फंड आता है वो पैसा कहाँ है? मैं खा गया, समझे? क्या कर लोगे? तुम्हारी इतनी जरूरत के मेरे घर में आकर मुझसे सवाल करो और फिर ये तमन्ना रखो कि मैं तुमको जवाब दूंगा? बहुत हो गया रामू, मेरे अंदर क्रोध का जलजला पैदा मत करो, मुझे उतार लेने पर मजबूर मत करो, वरना गोदावरी की गोद में इतनी लाशें तैरती हुई नजर आएंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा, समझे? मैं चाहूं तो ऐसी ऊंची आवाज में बात कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहता। मैं वैश्यों के बीच में अपनी इंसानियत खोना नहीं चाहता। मैं शराफत से पेश आ रहा हूं, तुम भी शराफत से पेश आओ। रामू, ये लो छाछ। छाछ? हाँ। तू इसे छाछ पिला रही है? एक तो वैसे ही इस अछूत ने मधुकर के घर में आके उसे गंदा कर दिया और तू उसे छाछ पिला रही है, और वो भी उस गिलास में जिसमें मधुकर पीता है। रामू ले लो छाछ। अरे लक्ष्मी, ये क्या कर रही हो, दिमाग खराब हो गया है? मधुकर कैसे मालूम नहीं किया अछूत है? जगो,
अगर इसने ये छाछ पी तो मैं इसी गिलास में इसका खून डाल के पी जाऊंगा। लक्ष्मी गिलास वापस ले जा। ये छाछ मैं तुम्हें दे रही हूँ, पी लो। इसने ये हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। इसने ये गिलास झूठा नहीं किया बल्कि तुमको झूठा कर दिया और तुम तमाशा देख रहे हो। जग्गू, अछूत जिस चीज को छू लेता है वो झूठी हो जाती है, गंदी हो जाती है, नापाक हो जाती है। फिर वो चीज चाहे कितनी कीमती क्यों ना हो मेरे सामने नहीं रह सकती। मैं उसे ठोकर मार के गोदावरी में फेंक दूंगा। मैंने तुम्हारा गिलास झूठा कर दिया, तुमने उसे पानी में फेंक दिया। अब मैंने तुम्हारी बेटी को झूठा कर दिया है, क्या करोगे? फेंक दोगे उसे गोदावरी में? चंदा, मैं बच्चों के काम से शहर जा रहा हूँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जरा उसका ख्याल रखना। जब तक चंदा जिंदा है तुम माँ की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं उनके लिए अपनी जान दे दूंगी। लो जाओ। रामू ने मेरे पिताजी को आज बहुत अच्छा सबक सिखाया। ये मेरी जिंदगी की कहानी का एक बहुत खूबसूरत पन्ना था। Thank you.
सांसों को चूमा प्राणों ने प्राणों को छुआ गवर्नमेंट का ग्रांट स्कूल तक नहीं पहुंचता क्या है सर? स्कूल का बुरा हाल है, बच्चों को खाना भी नहीं मिलता, सरकार का भेजा हुआ सारा पैसा गमन कर लिया जाता है। मैं चाहता हूं इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। डोंट वरी, इस बात पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। नमस्ते। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। अरे चंदा, क्यों चिल्ला रही है? मालिक, मालिक चाची को बहुत तेज बुखार है और रामू भी यहाँ नहीं है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी थी जो सिर्फ शहर में मिलती है, उसके लिए मुझे 50 रुपए चाहिए। तो देखो लक्ष्मी तो इस वक्त घर पे है नहीं, तुम एक काम करो, मैं अपने गोदाम पे जा रहा हूँ, तुम 10 मिनट बाद वहाँ आ जाना और मुझसे पैसे ले जाना और फिर शहर से जाके दवाई लेना। जाओ। आप भगवान है मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे भगवान हुआ नहीं, तुम जाओ, मैं पैसे दूंगा। मालिक, इस दुनिया में हर इंसान को कुछ ना कुछ गरज होती है। हिटलर दुनिया को हड़प करना चाहता था, सिकंदर दुनिया पे हुकूमत करना चाहता था, मजनू लैला को चाहता था, तुम 50 रुपए चाहती हो और मैं क्या चाहता हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो। मालिक, मालिक, मालिक मुझे छोड़ दीजिए। हिटलर नहीं छोड़ता, हमला करके रहता है। मुझे छोड़
चंदा, उस कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मेरी बात मान और बाहर आ जा। चंदा, जितना बोलोगी उससे ज्यादा पैसे दूंगा, इसलिए बाहर आ जाओ। अरे वाह, पैसे बड़ा चमत्कार है, शाबाश, आ जाओ। क्यों अचानक ये चेहरे की रंगत क्यों बदल गई? आंखों से हवस और वासना की चमक क्यों उड़ गई? जब आदमी अपनी इंसानियत को भुलाकर हवस का गुलाम हो जाता है तो वो अंधा हो जाता है, और अंधे को नजर नहीं आता कि सामने कोई मजबूर लड़की खड़ी है या अपनी बेटी खड़ी है। चंदा और मैं बचपन से लेकर आज तक आपकी आंखों के सामने बड़े हुए हैं। अगर चंदा में आपको औरत दिखती है तो मुझ में क्यों नहीं? लक्ष्मी, काश मैं आपकी बेटी ना होती तो आज यहां आपकी लाश पड़ी होती और मैं फांसी पर चढ़ गई होती। इससे पहले कि मैं आपके और अपने रिश्ते को भुला दूं, चले जाइए यहां से। चंदा, रो मत चंदा, रो मत। जब तुम पिताजी से चाची की बीमारी का जिक्र कर रही थी, मैंने पिताजी की बातें सुन ली और उनके इरादे को भांप लिया था, इसीलिए मैं यहां आ गई। देखो चंदा, मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए बात नहीं कह रही हूँ, बल्कि इसलिए कि औरत का दिल भगवान ने क्षमा, रहम और माफी की मिट्टी से बनाया है, इसीलिए औरत का दिल बहुत जल्दी भर आता है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और इसका जिक्र किसी से मत करना। लक्ष्मी जी, मैं गरीब अनपढ़ लड़की हूँ। तुम्हारे इस देवी जैसे चेहरे को देखने के बाद इंसान किसी को भी माफ कर सकता है। मैं कभी भूल कर भी इस बात को जबान पर नहीं लाऊंगी। चंदा, ये लो 50 रुपए और फौरन जाकर दवाइयां ले आओ और चाची को बचा लो। अगर चाची को कुछ हो गया तो रामू ये दुख सह नहीं पाएगा। जाओ, जल्दी जाओ। रामू बेटा, तू शहर क्या चला गया? मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, चंदा बेचारी पागलों जैसी हो गई। भाग के डॉक्टर के पास गई, उसको लेकर आई, मुझे दवा दी और मैं बच गई। ओहो, बस भी करो ना चाची, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो वो भी वही करता जो मैंने किया। रामू के सामने इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है? लो चाय पी लो। चंदा, मेरा तेरे सिवा इस दुनिया में है ही कौन? अगर कोई अपना भी होता ना तो मेरी माँ की इतनी सेवा नहीं करता जितनी की तुमने की है। लो, तुमने भी तारीफ करनी शुरू कर दी। अगर इतनी ही तारीफ करनी हो तो जाकर लक्ष्मी जी की करो। लक्ष्मी जी की? हाँ, और क्या, मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की, मगर उन्होंने पैसों से मदद की। अगर वो मेरी मदद न करती तो उस दिन न जाने क्या हो गया होता। ठहरा, कहाँ जा रही हो? स्कूल, रामू के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, वो क्या चीज है, हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है, इज्जत क्या है, भूल गई तुम? इज्जत, हैसियत, ये आप कह रहे? जिस दिन चंदा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी उस दिन इज्जत और हैसियत कहाँ गई थी आपकी? तिजोरी में ताला लगा कर गए थे। आप गुनेगार हैं और गुनेगारों को नसीहत करने का कोई हक नहीं। आइंदा मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। गोबर में डुबो कर जूता मार गई तुम्हारे मुंह पर, बड़ा ही घटिया अवतार लिया इस बार। जगो, ये वो मुंह है जिस पे जूता चल तो सकता है मगर लग नहीं सकता। अब मैं एक नया अवतार लूंगा। फिर अवतार लोगे? हाँ, बदली का अवतार, आकाश की बदली का अवतार नहीं, रामू की नौकरी का बदली का अवतार। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हम कर रहे नारा। आज तक तुम बहुत आ कर चुके, आज से तुम्हारा अ से अंत आ गया है। क्या बकवास कर रहे हो? जगो, इसे बताओ कि मैं बकवास कर रहा हूँ या फरमा रहा हूँ। कसम रुपये की, जिसके पहिए से मेरी गाड़ी चलती है, तुम्हारा यहाँ से तबादला हो गया बच्चू। ये रहा सरकारी ऑर्डर। तबादला भी ऐसे स्कूल में हुआ है जो घने जंगल में है, जहाँ आदमी कम और जानवर ज्यादा होते हैं। अब जंगल में जाकर जानवरों को सिखाना? नहीं, हमारे मास्टर जी हमारे स्कूल से नहीं जा सकते। मास्टर जी नहीं जा सकते, हमारे मास्टर जी को स्कूल से कोई नहीं निकल सकता।
और तुम लोग लगा लेकर देख रहे हो, निकालो निहरिजन बच्चों को बाहर। गंदे खून से पैदा होने वाले नीच कौम की औलाद, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यूनिफॉर्म पहनकर हमारे बच्चों की बराबरी करो? चलो उतारो यूनिफॉर्म, उतारो और गंदी लंगोटी बांधकर हमारे जानवरों का गोबर साफ करो। क्यों रामू, अब पता चला कि गुप्त गांव के सेटलर मधुकर की पहुंच कहां तक है? और तू भी नमक राम, तू हमारी नौकरी करने आया था या बच्चों को पढ़ाने आया था? अब वो काम छोड़कर तू मेरे धंधे पर टांग अड़ाने लगा है? तुमने इन बड़ों के खिलाफ बगावत की है, देख लिया उसका नतीजा? तूने मधुकर हिटलर की हुकूमत में बगावत फैलाने की कोशिश की? मैंने अपनी एक ठोकर से तेरे उसूलों के कच्चे शीशे को चिकना चूर कर दिया। ये तेरे तबादले का ऑर्डर नहीं बल्कि मधुकर हिटलर की हुकूमत से देश निकालने का ऑर्डर है। ले और निकल जा। तुम मेरी नौकरी का तबादला करा सकते हो लेकिन रामू और उसके इंकलाबी जज्बात का तबादला नहीं करा सकते। भूखे पेट रहकर बिना कोई काम किए क्या तुम अपने इंकलाबी काम कर सकोगे? जो लोग सच्चाई और ईमान को दिल में लिए अपने सर पर कफन बांधकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, अरे भूख भी उनके कदम नहीं रोक सकती। क्योंकि सच्चाई की खुराक रोटी नहीं है मधुकर, हिम्मत है। तुमने गांधी जी का नाम सुना है? एक कमजोर निर्बल लाठी टेक इंसान ने अपनी सच्चाई की ताकत से अंग्रेजों के सर चुका दिए थे। वैसे तुमने हजारों बेहुदा घटिया किस्म के अवतार लिए होंगे, अब मैं एक अवतार लूंगा जिसमें गांधी जी के आदर्श, भगत सिंह के देशभक्ति के रंग मिले होंगे और तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने उस अवतार की चमत्कार दिखाऊंगा। तुम्हारी जुल्म की दीवारों को तोड़कर इस गांव में एक नई दुनिया बसाऊंगा। समझ लो, आज से सच्चाई और जुल्म की जंग शुरू। जागो नया प्रभा Thank you.
से हल होगी अपनी सारी मुश्किल, बंजर को बगिया बनाएंगे। ये गुप्त गांव का हिटलर हमेशा शब्दों के खोखले अवतार लेकर हमको डराता रहा और कर कुछ नहीं पाया। उधर रामू ने सचमुच का अवतार ले लिया और जो कहा वो करके दिखाया। तुम दोनों खेत में खड़े पुतले की तरह तमाशा देखते रहे। हमारी सल्तनत में स्कूल या मंदिर बनाना तो एक तरफ, हमारी इजाजत के बगैर आकाश से भगवान जमीन पर नहीं उतर सकता। अब देखना। फिर अवतार लोगे? जिला के शिक्षा अधिकारी का उतार लूंगा, उसको यहाँ बुलाऊंगा और इस स्कूल को चिड़िया के घोंसले के तिनकों की तरह हवा में उड़ा दूंगा। गंगू, तुम उस खास कमरे का इंतजाम करके रखो। कौन सा कमरा? वही कमरा जहाँ पर सरकारी ऑफिसर गांव की हालत देखने के बजाय समझ गया, जहाँ पर आप लोग लड़कियां लेकर। बताओ कहाँ है वो जबरदस्ती का कानून बनाकर अपनी हुकूमत चलाने वाला? मैं उसको पुराने अखबार की तरह फाड़ डालूंगा। सर वो बहुत बदमाश आदमी है, वो सामने पहाड़ी के दामन में जो सरकारी जमीन देख रहे हैं आप। जय हिंद। जय हिंद। उस पर उसने गोरिल्ला फौज की तरह घुसकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अच्छा। हाँ, और हम लोग गांव के अधिकारी नरम दिल भगवान के पुजारी वहाँ राम का मंदिर बनाना चाहते थे, उसने मंदिर का आइडिया अंदर कर दिया, जमीन पे कब्जा कर लिया और स्कूल बना डाला। सर ये स्कूल स्कूल तो सब बहाना है, दरअसल ये पढ़ाई के बहाने एक विरोधी दल यानी अपोजिशन पार्टी बना रहा है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमें क्या करना है हमें मालूम है। आप यहाँ खड़े रहिए और देखिए कि मैं उसका क्या हशर करता हूँ। चलो चलो हमला। स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। क्या आप ही मिस्टर रामू हैं? जी हाँ, मैं हूँ। मैं जिला शिक्षा विभाग का मुख्य अधिकारी हूँ। नमस्ते। नमस्ते मिस्टर रामू, हमें तुम्हारे खिलाफ शिकायतें मिली है कि तुमने बच्चों का बहाना बनाकर सरकारी जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया है और बिना इजाजत सरकारी जमीन पर खेती बाड़ी भी कर रहे हो। बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास? जवाब है साहब, जवाब है। आपने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना वो सही है, लेकिन मेरे काम करने की वजह आपको जो बताई गई वो गलत है। क्या आप चाहते हैं कि आज भी ये गांव अनपढ़ और गवानों की बस्ती बना रहे? अगर आज इन बच्चों को थोड़ी सी शिक्षा देकर इनकी जिंदगी संवारना अगर गुनाह है तो मैं बेशक गुनहगार हूँ। इस गाँव के बड़े बड़े लोग, इस गाँव के मुखिया लोग, जबकि सरकार के भेजे हुए बच्चों के खाने के पैसे हजम कर जाते हैं, इन्हीं बच्चों का पेट पालने के लिए हमने इस बंजर जमीन पर फसल उगाई है ताकि इतनी सी उम्र में इज्जत और मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाना सीख लें। अगर ये सब कुछ करना गुनाह है तो मैं बेशक गुनहगार हूँ साहब। ये बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम ये सब कर कैसे सकते हो? ना तो तुम सरकार हो, ना सरकार का कानून हो, ना कानून बनाने वाले हो। हाँ बिल्कुल, और हमें ये भी शिकायत मिली है कि तुम गाँव के लोगों के साथ जबरदस्ती करते हो, गुंडागर्दी करते हो और लोगों को लूटते भी हो। ये सब झूठ है सर। लुटेरा तो मधु कर है सर। गांव का लुटेरा तो जग्गू है, वो चोर है, वो डाकू है। हमारी मास्टर जी हमारे लिए भगवान है, स्कूल हमारा मंदिर है, इसे हमने अपनी मेहनत से बनाया है, इसे कोई नहीं हटा सकता। तब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो गांव गांव जाकर अपने मास्टर जी की शिक्षा का प्रचार करूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक है और एक बन कर रहेंगे। इन बच्चों की बातें सुनी, देखा इनके जोश को, इनके जज्बे को। रामू ने इन मासूम दिलों में सच्चाई के दीप जला दिए। ये दीप अपनी रोशनी से दूसरे दीप जलाएंगे, रोशनी बढ़ती जाएगी और जुल्म और जहालत का अंधेरा उस रोशनी में जल जाएगा। नफरत मिट जाएगी और हर जबान प्रेम की भाषा बोलेगी।
अब आप खुद फैसला कीजिए कि रामू ने गलत रास्ते पर कदम रखा है या सही रास्ते पर। मगर आप कौन हैं? जिन्होंने हमारे खिलाफ शिकायत की है, मैं उसी सरपंच मधुकर की बेटी हूँ। हमारे खिलाफ मतलब तुम भी रामू के साथ हो? जी, रामू एक इंसान नहीं, एक आंदोलन है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इस आंदोलन का हिस्सा बनने का मौका मिला। मगर हमने सुना है कि गांव के बड़े लोग इस जमीन पर राम का मंदिर बनवाना चाहते हैं। तुम उनके काम में रुकावट डालकर कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो। आप एक मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो हजारों मंदिरों की बुनियादें रखी जा चुकी हैं। जरा गौर से देखिए साहब, इनके दिल किसी मंदिर से कम है क्या? इनके दिलों में राम, कृष्ण, ईसा, खुदा सबके नाम लिखे हैं। आप एक मंदिर बनाने के लिए हजारों मंदिरों को तोड़ डालेंगे, इससे बड़ा गुनाह क्या और हो सकता है? हम तो यहाँ एक मुजरिम से सवाल करने आए थे, मगर पता चले ये तो मुजरिम नहीं है, ये तो सच्चाई और इंसाफ की कुर्सी पर बिठाने के लायक इंसान है। रामू, तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से जितनी भी मदद मिल सकती है मैं तुम लोगों को जरूर दिलाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट रामू। छी, मुंह पर मक्खी जैसी मूछ लगाकर, आंखों पे चश्मा पहनकर और हाथ में डंडा लेकर अपने आप को हिटलर कहते हो, बड़ा अवतार बनने चले थे। आज रामू की मौत का ऐलान करता हूं। गंगरो, तुझे मालूम है इसका क्या करना है? मालूम है, मैं उस हरामजादे रामू को जान से मार डालूंगा, उसका खून पी जाऊंगा, उसका कत्ल कर दूंगा। ऐसी लुढ़कती हालत में तू किसी का खून कर सकेगा? सवाल नहीं, मेरा कमाल देखो, नमूने के तौर पर मैं गर्दन काट कर दिखाऊं। देखा, पागल हो गया। चलो तोते महाराज, चंदा के भागे की चिट्ठी निकालो। शाबाश, ये तो चंदा तुम्हारे लगन के बारे में लिखा है। मेरे लगन के बारे में? हाँ। जल्दी बताओ क्या लिखा है। तुम जिससे प्यार करती हो उससे लगन करने की इच्छा रखती हो। इस गरीब बस की? अब वो समय करीब आ गया है, शुभ घड़ी सर पर खड़ी है। 6 दिन के अंदर अंदर उसके पल्लू से पल्लू बांध लो, अगर देर कर दी तो फिर जीते जी इस जन्म में उसे कभी नहीं पा सकोगी। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। क्या है चंदा? लक्ष्मी जी, मुझे आपसे अंग्रेजी में कुछ चीज लिखानी है। अच्छा तो ठहर जा, मैं नहाकर आती हूँ। अच्छा, इस गोरी बस की? ये डायरी नहीं, मेरी भावनाओं, मेरे सपनों का आईना है। रामू बरसों बाद शहर से लौटा, एक मुद्दत तक वो मुझसे दूर रहा, मगर फिर भी मुझे भूला नहीं। मैं जानती हूँ कि रामू भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं करती हूँ। हाँ बोलो चंदा, तुम अंग्रेजी में क्या पूछना चाहती थी? लक्ष्मी जी, अगर मैं आज्ञा लेकर आपसे कहीं दूर जाना चाहूं तो उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसे गुड बाय कहते हैं, GOOD BYE। मगर अचानक ये गुड बाय की जरूरत क्या पड़ गई? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी गुड बाय लक्ष्मी जी। मेरी और रामू की क्या जोड़ी, मैं उनकी पत्नी बनकर सेवा की सिवा उन्हें और क्या दे सकूंगी? उनका जोड़ तो सिर्फ लक्ष्मी जी है, जो जीवन के हर रास्ते पर उनका साथ दे सकती है, पढ़ाई लिखाई में, आदर्शों में। और मैं गवार, जो अपना नाम तक नहीं लिख सकती, मैं आज के बाद उनके प्यार के बीच कभी नहीं आऊंगी। रामू हराम के, एक ही फटके में तेरा सर काट कर जमीन पर ऐसे टपका दूंगा जैसे नारियल के पेड़ से टूट कर नारियल गिरता है।
चंदा सुन, आज मैं तेरे को खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी मेरे लिए क्या है? आज रामू का खून मेरे इस गंडासे की प्यास बुझाएगा। क्या बात करते हैं गंगू? मैं ठीक कर रहा हूँ, एक ही झटके में उसकी गर्दन काट कर ऐसे फेंक दूंगा जैसे काली के चरणों में बकरे की गर्दन काट। तू रामू का खून करेगा? नहीं रे, वो तो देवता है जिसने हमारी इस बस्ती को मंदिर बना दिया और तू उस देवता का खून करना चाहता है? अरे वो देवता नहीं, वो तो साला राक्षस है, उसने गांव के बड़ों का अपमान किया है और फिर तू भी तो उसके बलबूते पे इतना ठहराती है, मेरी तरफ एक नजर उठा के नहीं देखती जैसे मैं कोई इंसान नहीं जानवर हूं। मैं उसे शमशान पहुंचा दूंगा तो तेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा, तू खुद ब खुद अगर मेरा हाथ थाम लेगी। गांव के लिए भगवान बनकर आया है और भगवान का कत्ल करना महापाप है, उसका खून इस धरती पर मत गिराना वरना ये धरती हमेशा खून के आंसू रोती रहेगी। चंदा, गंगू, हर लड़की का विवाह अग्नि को साक्षी रखकर सात फेरे लगाकर होता है, मैं अपने खून को साक्षी रखकर तुझसे विवाह करने को तैयार हूँ। वादा कर, वादा करके तू रामू को नहीं मारेगा। मैं अपने आप को मारकर तेरे बनने को तैयार हूँ, चल वचन दे। मैं तुझे वचन देता हूँ, तू मुझे मिल जाए ना तो तेरे लिए मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ, ये साला रामू क्या है। रामू, मैं जानती हूँ मैं जो कुछ करने जा रही हूँ वो सुनकर तुम मुझसे बहुत नाराज होगे, मगर मेरा ये कदम तुम्हारे भविष्य में सुख और खुशियां भर देगा। भगवान को साक्षी मानते हुए तुम दोनों अब पति पत्नी बन गए। चंदा, ये तुमने क्या किया? चंदा, तुमने क्या समझा हम सब मर गए? ना मुझसे कुछ कहा, ना माँ को कुछ बताया, चुपचाप शादी कर ली। मुझे मालूम था कि तुम इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगे, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया और चुपके से शादी कर ली। रामू, तुम्हें नहीं मालूम ये गंगू है ना, ये मुझे बचपन से चाहता है, ये दूसरों के लिए कैसा भी हो मगर मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। रामू, इतना ही नहीं, इसने मुझसे ये भी कहा कि अगर मैं इससे शादी कर लूं तो ये वही करेगा जो मैं कहूंगी, और इसी कारण मैंने अपनी मर्जी से जिसे मैं चाहती थी उससे शादी कर ली। चंदा, बस मेरी इतनी ही इच्छा थी कि तुम मेरी शादी में आओ और मुझे आशीर्वाद दो। लीजिए, दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। बात याद रखना चंदा, जिंदगी में कोई भी दुख हो ये मत भूलना, तुम्हारा रामू जिंदा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जिंदगी की राहों में वो हमेशा खुशियों के फूल बरसाता रहे। अरे हट, बाजू हट, ऐसा लगा है कि शादी हो रही है। अरे हाँ, ये तो हो गए हैं। चलो, भगवान का शुक्र है। अरे तू बच गई रे, तुझे पता है औरत को पति का सहारा ना हो तो दुनिया के सारे मर्द उसे धोखा देना चाहते हैं। हाँ,
तुझे मालूम है इस गांव में लड़की की कीमत क्या है? सिर्फ 5 रुपए। इतने में मुर्गी भी नहीं मिलती, मगर लड़की का यही भाव है। हाँ। ए गंगो, इस तरह मेरे तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? हाँ? शुक्रकार इतनी अच्छी और इतनी सुंदर पत्नी तुझ जैसे भैंसे को मिल गई। अब किसी और की तरफ देखेगा तेरी आंखें फूट जाएंगी। तू हाँ। को बोलती है हम का पुत्र चली जा रही है। अरे गंगू, अपनी ताकत के धौंस उस जग्गू और मधुकर के पास दिखाना, मैं नहीं डरने वाली। हाँ, लक्ष्मी जैसी पत्नी मिली है, अब सुधर जा, इंसानों की तरह रहने का ढंग सीख ले, तो भगवान सबका भला करेगा। अबे ओ कालिए, आज मेरी शादी की खुशी में सबको दारू पिला दे, फिकर मत करना, पैसे मैं दूंगा। जी अच्छा, लेकिन गंगू साहब आप इस कुर्ते में बहुत अच्छा लगता है। अबे साले, मैं कुर्ते में अच्छा लगता हूँ या बुरा, तेरे बाप का क्या जाता है? चल सबको दारू पिला। नई बुलबुल फांस के लाए हो, जाओ मौज उड़ाओ। बुलबुल फांस के लाया हूँ। रामजादे तेरी बाँ का कुत्ता मारू। रामजादे तूने मेरी बीवी को बुलबुल कहा, मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। रामजादे का फांस के लाया हूँ। क्या चंदा ने गंगू से शादी कर ली? हाँ लक्ष्मी बेटी, जब भी कोई चंदा से पूछता है कि उसने गंगू से शादी क्यों की, तो वो कहती है कि गंगू दूसरों के लिए बुरा होगा, मेरे लिए नहीं। सारी जिंदगी वो ही करेगा जो मैं कहूंगी, यहाँ तक कि मेरे लिए जान भी दे सकता है। बस यही कुछ उल्टी सीधी बातें करती रहती है, पता नहीं क्या हो गया उसको। चंदा तुम खाना खा लो। रामू, तुम एक नई नवेली दुल्हन हो, तुम यहाँ क्यों आई हो? दुल्हन भले ही नहीं हो, मगर तुम्हारे लिए वही पुरानी चंदा हूं ना। मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने खाने की कोई परवाह नहीं है, इसलिए मैं खाना ले आई, ये जानते हुए भी कि अब मैं किसी और की हो चुकी हूं, मगर तुम्हारी भूख का ख्याल आते ही मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। रामू, रोक नहीं सकी। चंदा, रामू, आज मैं तुम्हें खाने का पहला निवाला अपने हाथों से नहीं खिला सकती, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आज की बात कभी नहीं खिला पाऊंगी। खाना खा लो रामू। बढ़िया कुतिया, मैं गांव भर में तुझे ढूंढता फिर रहा हूं, तू यहां आई हुई है? देख रही चंदा की बच्चे, आज के बाद तू कहीं गांव में भुदकती नजर आई ना, तो तेरे हाथ पांव तोड़कर घर के किसी कोने में ऐसा डाल दूंगा जैसे टूटी हुई खाट को डालते हैं। हाँ, और सुन, 5 मिनट के अंदर घर बांध जा, वरना ये मंगल सूत्र जो तेरे गले में लटक रहा है, इसी के अंदर तेरी गर्दन लटका दूंगा मैं। चंदा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? आज तक मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा माना है, जो आज मानूंगी। बोलो रामू। चंदा, आज के बाद तुम यहां कभी मत आना। चंदा, गंगू एक मूर्ख आदमी है, उसे नाराज करना अच्छी बात नहीं। तुम जाओ, भगवान करे तुम जहां भी रहो सुखी रहो, खुश रहो। ठीक है रामू, अब मैं यहां नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। इजली, तू? अरे तू गांव से कब आई? मजे में तो है? हाँ, बहुत मजे में हूँ, और गांव में सबको मजा कराने आई हूँ। अच्छा? अरे ऐसा घूर घूर कर क्या देख रहा है? मैं अब खूबसूरत नहीं रही? अरे नहीं रे, तू तो पटाखा है, बिजली है। हाँ तो चल, ये बिजली तेरी बत्ती जलाएगी। 5 रुपए निकाल और एक दिन की दुल्हन बना ले मुझे। 5 रुपया ये ले। चल।
कमीने, कुत्ते, अरे नहीं, जाले, हरामी, सुबह के बच्चे, औरत की कीमत सिर्फ 5 रुपए, तेरी माँ औरत है, तेरी बहन औरत है, उसको 5 रुपए में किसी का हवाला नहीं देना, चल भाग यहाँ से। देखो बाबू, सुना है तुम यहाँ स्कूल चलाने और गांव के हालत सुधारने आए हो। एक गहराई की बात बताऊं, अगर तुम सचमुच इस गांव को सुधारने चाहते हो तो सबसे पहले उस जग्गू और मधुकर को मिटा डालो। ये पाप के तालाब हैं, जब तक वो यहाँ रहेंगे पाप के कीड़े फैलते रहेंगे, समझे? मास्टर जी, ये लड़की कौन है, पागल है क्या? नहीं बेटे, पागल नहीं, लोगों ने इसे ऐसा बना दिया। मैं समझा नहीं। इसका नाम बिजली है बेटे, ये वो शराबी जो पिछली बस्ती में रहता है ना छज्जू, उसकी लड़की है। हर जवान लड़की की तरह यह भी अपने भविष्य के सुंदर सपने देखा करती थी। पूरी बोतल पीजा, शर्माना नहीं। सरकार आप तो बड़े दयालु हैं। अरे हाँ बिरजी, याद आया, कल अपने गांव में एक बहुत बड़ा अफसर आ रहा है, उसकी खातिरदारी करनी है, उसे खाना खिलाना है। ऐसा करना, तू अपनी बेटी बिजली को काम के लिए जरा भेज देना। हाँ भेज दूंगा मालिक, बिल्कुल भेज दूंगा। जग्गू ने उस बूढ़े की कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। असलियत मालूम होने पर वो बेचारा बूढ़ा भी मर गया। उसके बाद बिजली अपने दूसरे गांव में मौसी के पास चली गई। हो सकता है उसकी मौसी मर गई हो और वो बेचारी बेसहारा होकर अपने गांव वापस लौट आई। बेटे, इस गांव के लोग जुल्म सहते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की किसी में हिम्मत नहीं। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों बे? क्यों नहीं हो सकती? अरे मेरा इस पर 3000 रुपया बाकी है, वो अगर नहीं दिया ना तो शादी होना तो दूर रहा, मैं ये पूरा का पूरा मंडप उखाड़ कर अपने घर ले जाऊंगा। वहाँ क्या अपने बाप की शादी करवाएगा? कर्जा वसूल करने को तुमको दूसरा मौका नहीं मिला? भगवान के लिए इस शुभ घड़ी में विघ्न मत डालो। मैंने वादा किया था ना कि शादी के बाद सारा कर्जा चुका दूंगा। अरे कैसे चुकाएगा, बेवकूफ बनाता है क्या? सारी जमीन तो दूल्हे को दहेज में दे रहा है, फिर 3000 रुपए कैसे चुकाएगा? बोल जवाब। मेरे पास है, आपका कर्जा उतर जाए तब तो शादी हो सकती है ना? हाँ हो सकती है। तो एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और जब तक मैं ना बोलूं आंखें मत खोलिएगा, बस आपका कर्जा वसूल हो जाएगा। सच? अगर ऐसा है तो हम अभी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करो भाई। हाँ, बंद करो। हाँ वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे 3 अंधे फकीर खड़े हैं। भाई इतनी देर में आंखें बंद नहीं रख सकता, मैं तो सोते में भी आंखें खुली रखता हूँ। अरे जल्दी करो भाई। हाँ अब आंखें खोलो। लाओ मेरे 3000 कहाँ है वो देखो। पिताजी! अरे खच्चर की औलाद, तू यहाँ क्या कर रहा है? उठ यहाँ से। जग्गू महाराज, अगर आपका बेटा इस लड़की से शादी कर ले फिर तो समस्या ही हल हो जाएगी। देखिए ना, दहेज में जमीन भी आ जाएगी और आपका कर्जा भी वसूल हो जाएगा। पिताजी, मैं ये फूल माला इस लड़की को पहना दूँ, अंगूठा चूस के? जूता मारूंगा सारे को। अलग हो जाओ उस पिछड़ी जाति की लड़की से। दामू, इसके अंगूठा लगे कागज मेरे कब्जे में है, इसलिए इसकी जिंदगी भी मेरे कब्जे में है। और अब तुम्हारे कब्जे से बाहर है। दामू, अवश्य तुम जिंदगी भर गरीबों को धोखा देते रहे हो, कागजात पर उनका अंगूठा लगाकर उन्हें गुलाम बनाते रहे हो, और अब ये तुम्हारे गंदे कागजात पवित्र अग्नि में चलकर राख हो चुके हैं। पंडित जी, शादी शुरू करो। देख लिया रे जग्गू, अब इस गांव में एक मर्द आया है, सच्चा मर्द, जो तुम जैसे शर्म को बकरी बनाएगा, जूते लगाएगा और घास भी खिलाएगा, घास भी। रामू बेटा, तू भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं, सारा गांव कह रहा है कि आने वाले सरपंच के चुनाव में आपको खड़ा होना चाहिए। मुझे? हाँ मास्टर जी, आपको, आप जैसे इंसान को वो पदवी मिल जाए तो गांव की तकदीर संवर जाएगी। मास्टर जी, आपको चुनाव लड़ना होगा, हमारे लिए लड़ना होगा। आप जो मुझे इतना मान दे रहे हैं, मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं, मैं इस विश्वास को कैसे ठुकरा दूं? अगर मेरे चुनाव लड़ने से गांव का भला होता है तो मैं इसे कैसे इनकार कर सकता हूं? मास्टर जी की जय! मास्टर जी की जय!
एक आइडिया खिला रहा हूँ, घुट्टी पिला रहा हूँ। क्या क्या? कब तक इस लीचर मधुकर को गांव का सरपंच बना के रखोगे? सारे गांव का माल तो वो लूट के खा रहा साला है। अरे हटाओ उसको और गांव का माल तुम लूटना शुरू करो। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन मेरे हालात। अरे हालात को मारो लात, तुम्हारे पास नाम है, पैसा है, है? उसका इस्तेमाल करो। एक काम करो, अगली बार सरपंच के चुनाव में तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने वो हिटलर का रास्ता छोड़कर गौतम बुद्ध का रास्ता अपना लिया है। बुद्धम शरणम गच्छामि, और उसके सबूत में मैं तुम्हारा लगन इस महापुरुष के साथ करवा रहा हूं। मैंने
अरे जरा अच्छे अच्छे रंग लगा, मैं जीतने वाला हूँ। वोट तो बड़े अच्छे बनवा लिए हैं, मगर वोट देकर तुझे कोई वोट नहीं देने वाला। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ वोट कैसे लिए जाते हैं। जा जा जा, तू अपना काम कर। काम मैं कर चुका, बल्कि इलेक्शन में जीत चुका, क्योंकि असली वोट तो पिछड़े लोगों की बस्ती में पड़े हैं और वो वोट मेरी जेब में आ चुके। झूठ बोलता है। नहीं सच बोलता हूँ, क्योंकि रामू मेरा होने वाला। होने वाला क्या? दामाद है। रामू और तेरा दामाद? हाँ, क्योंकि अब मैंने ससुर का अवतार ले लिया है, और जब मेरा दामाद पिछड़ी बस्ती के लोगों से कहेगा कि आए बस्ती वालों मेरे ससुर को वोट दो, तो वो सब मुझे वोट देंगे। मैं जीत जाऊंगा, गांव का सरपंच बन जाऊंगा। इसलिए आए कंजूस, आए मक्खी चूस, इस वोट पर और रंग पर पैसे बर्बाद मत कर। विक्ट्री इज माइन। अच्छा बेटा, तूने तो ससुर का अवतार ले लिया, मगर मैं भी कम हरामी नहीं हूँ। अगर तेरे ससुर के सुर को नहीं बिगाड़ दिया तो मेरा नाम भी जग्गू नहीं है। आज मैं आप लोगों को चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप इस गांव की उन्नति चाहते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि आप मास्टर जी को चुनिए। रामू, आज तक जो तुम कहते रहे उसे हम अपना धर्म समझकर उस पर विश्वास करते रहे। हम समझे थे तुम हमारे हो, हमारे दुखों का इलाज करने आए हो, मगर आज पता चला कि वो हमारी भूल थी, हम तुम्हें गलत समझते रहे। ऐसा क्यों कह रहे हो? यह ख्याल तुम्हारे मन में आया भी कैसे? छुपाओ मत रामू, हम सब कुछ जानते हैं। तुम एक ऊंची जाति की लड़की से शादी करने वाले हो। हाँ, हम ये भी जानते हैं, शादी के बाद हमें ठुकरा कर उन बड़े लोगों से मिल जाओगे। रामू, इस संसार में हर चीज का मिलाप हो सकता है, यहाँ तक कि आग और पानी का हो सकता है, मगर अमीरी और गरीबी का नहीं। अगर तुम दौलतमंद के दामाद बन गए तो हम समझेंगे हमारी दुनिया से हमेशा के लिए चले। खामोश साले जलनखोर लोग, किसी का सुख नहीं देखा जाता क्या? रामू रामू, तुम इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये सारे बदमाश बिकाऊ है, इन्हें इन्हें ना जाने किसने भर के भेजा है, इसलिए लगाई बुझाई की बातें कर रहे। रामू रामू, तुम लक्ष्मी जी से ही शादी करना, उन्हीं से शादी करना। ठहरो चंदा, ठहरो, इन्हें बोल लेने दो, ये क्या बोलना चाहते हैं? अरे ये क्या बोलेंगे, इन्हें हक ही क्या है बोलने का? तुमने दिन रात सुबह शाम बिना सोए बिना खाए इनकी सेवा की, इतना काफी नहीं है क्या? चंदा, तुम शादीशुदा हो, किसी की पत्नी हो, सबके सामने इस तरह की बातें करते हो, अब तुम्हें शोभा नहीं देता। रामू, चंदा मेरी बात मानो, अब तुम यहां से जाओ। चंदा मैं कहता हूं तुम यहां से जाओ। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? सिर्फ इतना कि अगर तुम हमारे हो और सचमुच हमें अपना समझते हो, तो उस ऊंची बिरादरी की लड़की से शादी करने के बजाय हमारी अपनी बिरादरी की लड़की से शादी कर लो। आज तक तुम सिर्फ शब्दों का भाषण देते आ रहे हो, अब कुछ करने का मौका आ गया है। आज तुम अपनी बिरादरी की किसी लड़की का हाथ पकड़ लो तो हम समझेंगे कि तुम्हारे आदर्श सच्चे हैं। तुम अक्सर कहते हो ना कि हम लोगों की जिंदगी को सुधारने आए हो, तो अपनी जाति की लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी को सुधारो ना। यानी कि इस बिरादरी की किसी भी लड़की से शादी कर लूं तो तुम लोगों को कोई एतराज नहीं? हाँ, बिजली से शादी करता हूँ। क्या? बिजली से? हाँ। नहीं, ऐसा मत करना। जो बोल शैतान के पैरों में कुछ लगाए हो, उसे भगवान के चरणों में नहीं चढ़ा जाता। मेरी तो परछाई भी तुम्हें गंदा कर देगी। इस गिरी हुई लड़की से
शादी की बात मत करना, नहीं करना। बिजली, अगर तेरे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है और भगवान की भक्ति में विश्वास है तो इनकार मत करना। ये शादी देवी माँ के सामने हो रही है, मतलब उसकी मर्जी से हो रही है, शायद यही उसकी इच्छा है। जी भर के रो, तुम्हारी खातिर मैं अपनी इज्जत अपनी पोजीशन को भूल गया। मुझ जैसे आदमी ने उसके घर में काम किया, उसके घर में झाड़ू लगाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी से शादी कर ले और वो सुवर उस नीच लड़की से शादी करके बैठ गया। आज के बाद तुमने कभी मन में भी उसका ख्याल लाया या उसके स्कूल गई तो मैं तुम दोनों को गोली मार मार के वो हालत कर दूंगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि राम कौन है और लक्ष्मी कौन है। याद रखना। क्या बात है बच्चों, तुम लोग क्लास में जाने के बजाय बाहर क्यों खड़े हो? सर, लक्ष्मी टीचर नहीं आई। क्यों? पता नहीं सर, सुना है आप अपवित्र हो गए, शादी के बाद आप खराब हो गए हैं। सर, लक्ष्मी टीचर ने बोला है कि अब वो स्कूल कभी नहीं आएंगी। बच्चों ने बताया कि तुम स्कूल नहीं आ रही हो। जिस महान काम को अंजाम तक पहुंचाने की हमने कसमें खाई थी, उन कसमों को भुला दिया क्या? नहीं भुला सकी, इसीलिए तो तुम्हारे बुलाते ही घर से निकलकर मैं तुम्हारे साथ बाहर चली आई। मगर दुख मुझे अपना नहीं रामू, तुम्हारा है। मेरा? हाँ, तुम्हारा। मैं ये मानती हूँ कि शायद मुझसे शादी करके तुम्हारे उसूलों के राह में रुकावट पैदा हो जाती। मैं ये भी मानती हूँ कि तुम्हें खोकर मैं अपने आप को बदकिस्मत समझ रही हूँ, लेकिन बिजली जैसी लड़की से शादी करके तुमने अपने आप को बदकिस्मत क्यों बना लिया? अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो किसी और अच्छी लड़की से शादी करते, उस बच्चलन लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? बिजली बच्चलन लड़की नहीं है लक्ष्मी, उसे तो बच्चलन लोगों ने अपनी हवस का शिकार बना दिया था। वो तो ठीक है रामू, तुम बिजली से हमदर्दी जता सकते थे, लेकिन शादी करके खुद की जिंदगी बर्बाद करने का क्या मतलब था? लक्ष्मी, इस दुनिया में हमदर्दी जताते तो सभी हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। मैंने बिजली को एक नई जिंदगी दी है और तुम तो जानती हो मेरी फितरत, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। तुम एक महान इंसान हो, इंसानियत की उन बुलंदियों तक पहुंच गए हो जहां महात्मा लोग ही पहुंच सकते हैं। मगर मैं क्या करूं, मैं तो एक मामूली इंसान हूं, वो भी औरत जात हूं। लाख कोशिश के बाद भी मैं ये नहीं भुला सकती कि मैं तुम्हारे उसूलों में हाथ भी नहीं बटा सकती, तुम्हारे हाथों से मैं हाथ नहीं मिला सकती। अरे पगली, शादी, बीवी बच्चे, घर बसाना, उसकी हद तो अपने परिवार तक है जिसमें स्वार्थ है, खुदगर्जी है, लेकिन मेरा गांव, मेरी संस्कृति, मेरी जाति, जिसकी कोई हद नहीं, जिसका ताल्लुक पूरे देश से है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई खुदगर्जी नहीं है। पार से जो दिल की खुशी मिलती है उससे कई ज्यादा और कई महान वो खुशी है जो निस्वार्थ सेवा से मिलती है। लक्ष्मी, हिम्मत पैदा करो, जिस मकसद के पौधे को हमने लगाया है उस मकसद को पूरा करने के लिए, उस पौधे को पेड़ बनाने के लिए उसकी जड़ों में कभी कभी प्यार के खून का छिड़काव भी करना पड़ता है। बिजली,
सुबह से तुमसे एक बात कहना चाहती थी। तो कहो, झिझकती क्यों, बोलो। बाबू, तुमने यहाँ आकर इस गांव का बहुत भला किया, सबके साथ अच्छाइयां की। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, मगर आज उन लोगों ने तुम्हें कुछ भला बुरा कह दिया और तुमने बिना सोचे समझे मुझसे शादी कर ली। ये अच्छा नहीं किया बाबू। नहीं बिजली। हाँ बाबू, वो लोग जो कल तक मुझ पर हंसते थे आज से तुम्हारे भी मजाक उड़ाएंगे। मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ, मेरे लिए अपने आप को क्यों बर्बाद करते हो? मैं जैसे जी रही हूँ वैसे ही जीने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। एक बात कहूँ बिजली, अगर तुमने पाप जानबूझकर किया होता फिर तो तुम गुनहगार हो, लेकिन तुम तो किसी की जबरदस्ती का शिकार बनी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तो फिर तुम्हें उस गुनाह की सजा क्यों मिलनी चाहिए जो गुनाह तुमने किया ही नहीं है? बिजली, मान लो कि कोई नास्तिक भगवान की मूर्ति मंदिर से उठाकर कीचड़ में फेंक दे तो क्या भगवान अपवित्र हो गए? क्या वो अपनी शक्ति अपनी महानता खो बैठे? नहीं, उस मूर्ति को उठाकर दोबारा मंदिर में सजाया जा सकता है, पूजा के लायक बनाया जा सकता है। तो फिर एक इंसान की पवित्रता क्यों नहीं स्वीकार की जा सकती? अगर नहीं स्वीकार करें तो एक पाप है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ बिजली, मेरी नजरों में तुम पवित्र हो, पाप की परछाई भी नहीं पड़ी है तुम पर।
जाते हैं मन में उजाला, जो गिने जाते पूंजियों को शराब पिला कर नशे में डुबा कर इलेक्शन जीतना चाहता है। अबे ये सियासत है, तू जाकर हजामत कर, चल। अबे चल चल चल, मैं भी समझता हूँ कि सियासत क्या होती है। ये लोग अंधे नहीं हैं, ये मेरा एहसान मानते हैं। जब से पैदा हुए हैं मेरा ही माल खा के बड़े हुए हैं। तेल चावल चीनी दाल है, इनके खून में अभी शराफत है। अबे तूने इनकी रगों में खून छोड़ा ही कहां जो शराफत बाकी होगी। तू आटे में राख मिलाता है, तेल में घासलेट मिलाता है, पिसे हुए मसाले में घोड़े की लीद मिलाता है। इन गरीबों की रगों में शराफत की जगह घोड़े की लीद दौड़ रही है। अरे कर ले बकवास कर ले, जितना चाहे बकवास कर ले। जब दो दिन बाद चुनाव खत्म होंगे और पेटियां खुलेंगी, तब तुझे पता चलेगा कि जनता किसे चाहती है और किसे दुत्कारती है। अबे हां खच्चर, तू तो घबरा के अपना वोट भी मेरे डब्बे में डाल देगा, और अगर कभी तेरे आदमी ने तुझे वोट दिया तो मेरे आदमी भेड़िया बनकर तेरे आदमी को कुत्ते की तरह कचा चबा कर खा जाएंगे। अबे चल चल चल, अगर मेरे आदमियों को गुस्सा आ गया ना तो वो तेरे मुंह से पूरी की पूरी बत्ती सी बाहर निकाल लेंगे। अबे ओ गोबर के हाथी, तेरे साथी भाग गए, देख मेरे शेर। श्रीकांत मास्टर जी की, श्रीकांत मास्टर जी की, श्रीकांत मास्टर जी की, रामू भैया की, रामू भैया की। तो भाइयों, मेरी राय में अगर मास्टर जी को इस गांव का सरपंच चुना जाए तो यह गांव भी इंसानों का गांव बन सकता है। श्रीकांत मास्टर जी की, श्रीकांत मास्टर जी की। जब तक इस गुप्त गांव का हिटलर आलोक मधुकर जिंदा है, उसके पेट में हिटलर खुद बखुद जिंदा रहेगा। यह चूहे बिल्ली जैसे जग्गू और मास्टर को ऐसे मसल डालेगा जैसे हिटलर ने इंग्लैंड और फ्रांस को मसल डाला था। अरे हिटलर फौज के जालिम सिपाही, ये ले, उनको मिटा डाल, उन्हें किसी भी हालत में नहीं जीतना चाहिए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले उस बूढ़े मास्टर की जिंदगी का सूरज डुबा देना, उसका खून कर देना। मुझे हिटलर के माथे पर तिलक लगाना है। और सुन, मास्टर की लाश के करीब जग्गू का कुर्ता और उसके पैर की चप्पल रख देना, बाकी खून का सारा इंतजाम। समझ गया, समझ गया। मैं दोनों की मुंडी काट कर इलेक्शन के डब्बे में डाल दूंगा। तू खुद ही कटे हुए डब्बे की तरह चला रहा है, तू क्या खाकर काटेगा? क्यों नहीं काट सकता? आप बोलो तो नमूने के तौर पर मैं आपको काट के दिखाऊं। काट दिया। भाई अच्छा मास्टर जी, मैं सुबह मिलता हूं। बेटे मैं चलता हूं। मास्टर जी, भगवान, ये कौन जालिम होगा जो मास्टर जी पर हमला कर रहा है? काफी गहरी चोट आई है, इन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अच्छा बेटा,
तो मधुकर ने तेरी इस कमजोरी का फायदा उठाया। सुन, मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। 10,000? मालिक, तब तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अच्छा ये बता जी, इस वक्त रामू कहाँ है? रामू मालिक, वो मास्टर की जान बचाने के लिए उसे शहर के अस्पताल में ले गया है। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। सुन, रामू के लिए बिजली उसकी जिंदगी है। तू बिजली को पकड़ के यहाँ ले आ, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। फिर तू मधुकर के कपड़े और उसकी छड़ी बिजली के घर में जाके छोड़ देना। जब रामू को ये पता चलेगा कि ये मधुकर की कारस्तानी है तो वो उसे बर्बाद कर देगा। साला बड़ा अवतार बना फिरता था, आज मैं उसे अवतार बन के दिखाऊंगा। हरामजादी, छोड़ दूंगा तुझे, इतनी जल्दी भी क्या है? रुक जा गंगू, छोड़ दे बिजली को, छोड़ दे, वरना वरना क्या करेगी, मेरा खून करेगी? अरे हराम जादी, तू मुझे मारेगी ना तो तेरा ये मंगल सूत्र टूट कर बिखर जाएगा। ये मंगल सूत्र एक औरत की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं। बिजली की इज्जत बचाने के लिए अगर मुझे विधवा भी बनना पड़े तो इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं होगी। हराम जादी, बकवास बंद कर, हट मेरे रास्ते से। मेरी ये मजाल मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
चंदा और बिजली को खत्म कर दिया। मुझे मारने के लिए आ रहा है, ऐसे करो मुझे बचा लो, मुझे अपने घर के किसी कोने में छुपा लो। हिटलर ने कहा है कि सांप को आस्तीन में जगह नहीं देना चाहिए वरना बगल में बिल बना लेगा और सीने में डंक मार देगा। और उस दिन तुमने क्या कहा था, मैं तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगा। तो क्या लेने आए हो, जाओ कोई और दरवाजा देखो। Ah!
लोग जो आप जैसे मर्द को अपने रास्ते से हटा सकते थे, क्या आप सोचते हैं उन्होंने लक्ष्मी जैसी औरत को छोड़ दिया होगा? असूलों की जंग लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं, विश्वास और हिम्मत की जरूरत है। फिर वो जंग करने वाला इंसान मर्द हो या औरत, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुपगांव तो एक छोटा सा गांव है, हमारा भारत देश तो बहुत बड़ा देश है, इसे आगे बढ़ाने वाली भी एक औरत ही है। मुझे विश्वास है कि लक्ष्मी कामयाबी की मंजिल पर पहुंच चुकी होगी और कामयाबी की मुस्कुराहट लिए उस स्टेशन पर मेरा स्वागत करने जरूर आएगी, अपने वादे के मुताबिक जरूर आएगी। भगवान करे सर ऐसे ही हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सफर जारी रहेगा और उस वक्त जाकर खत्म होगा जब जिंदगी की सांसें खत्म होगी। देखो स्टेशन पे कोई है? नहीं, कोई नहीं दिखता। इसका मतलब है लक्ष्मी जी नहीं आई? बेचारे राम, लगता है उनके सपने टूट गए। या तो लक्ष्मी जी ने हार मान ली होगी या उन शैतानों ने उन्हें भी जान से मार दिया होगा। समझ में नहीं आता हम आपको कैसे मुबारकबाद दें। सफर के दौरान में रामू जी ने हमें आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। वैसे तो हमने बहुत सी प्यार की कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन आज जो अपनी आंखों से देखी है वो उनसे कहीं महान और पवित्र है। लक्ष्मी, तुम अब तक अपनी हिम्मत और सच्चाई से हमारे असूलों की जंग लड़ती आई हो, इसके लिए मुबारक। वादा करो कि ये जंग जारी रहेगी जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती। इन उसूलों का हाथ मैंने पहली मुलाकात में थामा था। दुनिया की कोई ताकत इन हाथों को अलग नहीं कर सकती। ये जंग हमारी आखिरी सांसों तक जारी रहेगी और अंत में जीत हमारी होगी। अच्छा, हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। चलो